की जो पत्रकार वार्ता है बहुत ही सीरियस मुद्दा है जो मैं बात करूंगी अपने एरिया की। वहां पर धड़ल्ले से दिन रात मिट्टी की जो चोरी चल रही है, जिसके खिलाफ कई बार मैंने कंप्लेंट्स करी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ये पहली रिपोर्ट है जब मैंने फर्स्ट टाइम फेब मार्च में कंप्लेंट करी थी, मेरे इलाके में मिट्टी की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जेसीबी लेकर सीज करी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से। फिर लास्ट सैटरडे को भी रंगे हाथों जेसीबी पकड़ी जाती है, चौकी अफसर को फोन किया जाता है, चौकी अफसर अपने बंदे भेजता है, वहां से जेसीबी को चौकी लाया जाता है, लेकिन दूसरे दिन बिना किसी एक्शन के, बिना किसी रिकॉर्ड के उस जेसीबी को छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली कल शाम को भी चोरी होती है, जब मैं चौकी अफसर को फोन करती हूँ कि ऐसे ऐसे हो रही है, मैं आपको फोन करूंगी तो अपनी टीम बैकअप के लिए तैयार रखना, विद इन 5 to 10 मिनट चोरी होना बंद हो जाती है। ट्रॉलियां जो मिट्टी लेकर जा रही थी वो काम करना बंद कर, मेरे घर के बिल्कुल पास में था तो मुझे आवाज आ रही थी कि पहले ट्रॉलियां चल रही थी, ट्रॉलियां बंद है। तो मैंने फिर से 15-20 मिनट बाद चौकी अफसर को फोन किया कि आपने बता दिया कि मैंने आपको ही बताया था। वो कह रहे नहीं, मैंने सिर्फ मुंशी को फोन किया, मुझे नहीं पता क्या वजह थी, किसने उनको वो हिंट दिया, जबकि मेरी बात सिर्फ पुलिस से हुई थी उस टाइम, ना मैंने डीएमओ को फोन किया ना किसी और को। तो आज सुबह दोबारा से शायद उन बड़े जिगरे वाले चोरों को, उन लोगों को लगा कि शायद मैम अभी सोई होंगी, लेट उठती है, तो सुबह दोबारा अर्ली मॉर्निंग से दोबारा से वो चोरी होना शुरू हो गई। दो ट्रॉलियां मैंने जो पकड़ी उसकी प्रॉपर वीडियोस मैंने आपको दी हैं। पहली ट्रॉली जो मेरे घर के आगे से गुजरती है, जब मैं रोकने की कोशिश करती हूँ वो कट मार के चला जाता है, नहीं रोकता। और दूसरी ट्रॉली जब मैं उस साइड की तरफ जाती हूँ कि मुझे पता है वहां से मिट्टी चोरी हो रही थी, तो भी वो मुझे देखकर पीछे भागने की कोशिश करता है और फिर वहां पर वो ट्रॉली फंस जाती है। फिर उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व होते हैं मौके पर आते हैं, कोशिश करते हैं और भी लोगों को इकट्ठा करके, ताकि कोई मेरे पे हमला करे या कुछ करे तो मैं वहां से निकल जाती हूँ। आप इन दो वीडियोज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ट्रॉलियों पर नंबर नहीं लगे हुए, ना तो आगे ना ही पीछे। तो इसमें जो मिलीभगत प्रशासन की जो चल रही है, बड़े समय से जब प्रॉपर रिपोर्ट्स बनती हैं, कंप्लेंट्स की जाती हैं, मतलब हम लोग दुश्मनी ले लेते हैं, हमें टारगेट किया जाता है, हमें धमकियां मिलती हैं, लेकिन प्रशासन किस वजह से इन पर लगाम नहीं कसता, उसकी वजह अभी तक नहीं पता चल पाई। जो सैटरडे को किस्सा हो उस बारे में मैंने तहसीलदार सांबा को भी रिपोर्ट किया, डीसी सांबा को भी रिपोर्ट किया, एसएसपी सांबा को भी रिपोर्ट किया कि आपके चौकी अफसर ने ये गाड़ी उठाई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे आश्वासन दिए गए कि हम ये इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो बाद में बिना किसी कार्रवाई के जब उस जेसीबी को छोड़ दिया जाता और आज भी वही गाड़ियां इन्वॉल्व होती हैं, उन्हीं के द्वारा दोबारा से जब चोरी की जा रही, तो अब प्रशासन से मेरा जो विश्वास है डगमगाता नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं किसको, किस कंसर्न्ड ऑफिसर को फोन करूं कि जो लीगल एक्शन लेगा। पुलिस को फोन किया जाता है तो पुलिस भी उनकी ही मुखबरी करती है, उनको बता देती है कि जल्दी जल्दी आगे पीछे हो जाओ, आप पर छापा मरने वाला है। माइनिंग डिपार्टमेंट को फोन किया जाता है तो माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है कि हमारी बिना नॉलेज के ही गाड़ियां पकड़ी जाती हैं और छोड़ी जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। डीसी साहब को फोन किया तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। रेवेन्यू को जब बोला जाता है तो अभी तक अगर रेवेन्यू की भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये जो एक बहुत बड़ा स्कैम पूरे बॉर्डर में, बैंगलोर की पंचायतों से चोरी हो रही है, पंदोर पंचायत में जगह जगह से मेरे घर के पास से चोरी हो रही है, जिन पर चोरी रंगे हाथ पकड़ी भी गई है उनको नहीं पकड़ा गया, इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट जिनको मैं ब्लेम करना चाहती हूँ, जिसमें डीएमओ सांबा भी संज्ञान ले और जिसमें डीसी सांबा सर को मैंने बार बार इन्फॉर्म किया, पूरी व्हाट्सएप चैट मेरे पास है, आप देख सकते हैं, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आई कैन सेंड यू दैट टू। ये सैटरडे को मैंने डिटेल्स भेजी हैं, उसके बाद ये आज भी सुबह मैंने उनको डिटेल्स भेजी हैं, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एसएसपी सांबा को भी मैंने कॉल किया था उस दिन भी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा आरटीओ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट तो बना हुआ है, हाँ उन लोगों ने चेक करना होता है कि ये जो गाड़ियां माइनिंग इनलीगल इन कामों में इन्वॉल्व होती है, उनके ना तो आगे नंबर प्लेट लगी होती है ना पीछे लगी होती है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जाती। जब मिट्टी चोरी होती है तो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर प्रॉपर एक्शन ले, लेकिन पिछले 5-6 सालों में मैंने आज तक ना ही कोई सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर को देखा, ना ही कभी उनसे मुलाकात हुई और ना ही कोई ऐसी लीगल कार्रवाई उनकी तरफ से कभी की गई। तो ऐसे डिपार्टमेंट जो सिर्फ डम्मी डिपार्टमेंट है, जो हमारे हार्ड अर्न इनकम का टैक्स का पैसा वेस्ट करते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स को बंद कर देना चाहिए और जो लोग अपनी ड्यूटी का ढंग से नहीं करते तो उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही हौसले जो चोरों के बढ़ते जाते हैं। कई बार
पुलिस को जब मैंने कहा कि फलाना कंसर्न्ड ऑफिसर अच्छा काम नहीं करा तो क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया। इसमें आरटीओ साहब को संज्ञान लेने की जरूरत है, डीएमओ सामा को संज्ञान लेने की जरूरत है, डीसी साहब को मैं बोलूंगी कि प्लीज इस पर एक्शन ले, एसएसपी सांबा इसमें देखे, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट इसमें देखे, ट्रैफिक वाले भी जो जगह जगह ऐसी जगहों पर नाके लगाते हैं जहां पर छाया में पूरा दिन मैं देखती हूँ कि गाड़ी लगी होती है, साथ में शिकंजी पीकर शाम को घर चले जाते हैं, तो जरूरत है आप मौके पर जाकर ऐसी गाड़ियां पकड़े जिनकी नंबर प्लेटें नहीं है, तो बहुत बड़ा मसला है। कल को किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कल को कोई और इलीगल एक्टिविटी होती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। ये हमारे ही आस पड़ोस के लोग हैं, ये पर्टिकुलर एक बंदा है जिसको 2-3 बार मैंने रेगुलर कंप्लेन करी है, मेरे पड़ोस के गाँव का ही है, एक सर्विस मैन है, जेसीबी नंबर भी मैंने डीसी साहब को भेजा लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे चोरों पर लगाम कसनी चाहिए जो शायद ये सोचते हैं कि हमने बड़े बड़े लीडरों के चेले चपाटों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनके चमचों के साथ हम घूमते हैं तो हम पर शायद लगाम नहीं कसी जाएगी, या फिर अपने पैसे के दम पर अफसरों को खरीद लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद लेंगे, पुलिस को खरीद लेंगे तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे चोरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।